2023 में बीटेक करनी चाहिए या फिर बीसीए, दोनों ही टेक्निकल कोर्सेज हैं। दोनों ही कोर्सेज करने के बाद अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने की। तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कोर्स के लिए आप राइट फिट हो, यह समझना बहुत जरूरी है। और यह तभी समझ में आएगा जब आप इन दोनों कोर्सेज के मेजर डिफरेंसेस समझेंगे। तो बीटेक फंडस बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीटेक वर्सेस बीसीए इन टर्म्स ऑफ कोर्स, करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, जैसे कि डेलॉयट, इंफोसिस, टीसीएस। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं बीटेक और बीसीए के बेसिक डिफरेंस। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक इंजीनियरिंग कोर्स है, फिर चाहे वो गाड़ी की इंजीनियरिंग हो, मशीन इंजीनियरिंग हो या फिर कंप्यूटर की, इसमें सब कुछ आता है। बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड फील्ड के लिए। यही रीजन है कि बीसीए में जो आपका टोटल फोकस रहता है वो रहता है सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सभी चीजों पे, यानी कि सभी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड। जबकि बीटेक में डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस ऑफर की जाती है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स। कोर्स ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो बीसीए एक 3 ईयर कोर्स है जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं, लेकिन बीटेक एक 4 ईयर कोर्स है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। यही रीजंस है कि बीटेक में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको हार्डवेयर से भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो यहां तक के डिस्कशन में अभी तक आपको यह क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका शॉर्ट शॉर्ट मन है कि सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस साइड जाना है, तो आप बीसीए को आंखें बंद करके ऑप्ट कर सकते हैं, यहां पे आपका पूरा 1 साल बचेगा। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग साइड जाना चाहते हैं और कंप्यूटर के अलावा दूसरी स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उस केस में बीटेक आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि बीटेक और बीसीए जैसे कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स देने होते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। बीटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 12th में आपके पास कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मिनिमम आपने 60% मार्क्स से 12th पास की होनी चाहिए। इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है जेई का एग्जाम। इसके रैंक के बेसिस पे मेजॉरिटी बीटेक कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिसके बेसिस पे बहुत से अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जैसे कि बिटसेट एग्जाम है, WBJEE है, SRMJEE है। इसके बेसिस पे आप बिट्स पिलानी, SRM यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बीसीए की। यहाँ पे आपने 12th पास की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और वो भी मिनिमम 45% से 50% मार्क्स में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम के बच्चे बीसीए कर सकते हैं, यानी कि बीसीए जैसे टेक्निकल कोर्स में जा सकते हैं, फिर चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे कॉलेजेस में मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12th में, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हुई, अब बात करते हैं एडमिशन कैसे होगी बीसीए में। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो 12th के मेरिट के बेसिस में भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन काफी कॉलेजेस में आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि IPU CET, ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये आपको क्वालिफाई करना रहता है बीसीए के एग्जाम के लिए। ऐसे ही आप SET देना पड़ता है आपको सिम्बायसिस यूनिवर्सिटी के लिए। इसके बाद कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट है CUET, ऐसे कुछ आपको एग्जाम्स देने पड़ते हैं बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस में बीसीए में एडमिशन लेने के लिए। अब कोर्स फीस की अगर हम बात करें तो बीटेक और बीसीए में कोर्स फीस के मामले में क्लियर डिस्टिंक्शन है। बीटेक जैसा कोर्स काफी एक्सपेंसिव है बीसीए के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, 4 साल का ये कोर्स है, आपको एडवांस्ड और डीप चीजें सिखाई जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है। तो एवरेज फीस की अगर हम बात करें तो बीटेक जैसा कोर्स 4.5 से 6 लाख रुपए के करीब होता है इंडिया के एवरेज बीटेक कॉलेजेस में। यहीं बीसीए की अगर हम बात करें तो ये 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाता है। अब बीटेक कर लो या फिर बीसीए कर लो, इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और हायर स्टडीज को भी परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं बीटेक करने के बाद। तो बीटेक में जैसे कि आप डिफरेंट स्ट्रीम से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फिर चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप डोमेन स्पेसिफिक कंपनीज में जा सकते हैं। जैसा कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, कार डिजाइनिंग इंजीनियर, इन सभी प्रोफाइल्स में जा सकता है। एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट
फुल स्टैक डेवलपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, ब्लॉकचेन डेवलपर, इन सभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जा सकता है। इसके अलावा सिविल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो वो सिविल साइट इंजीनियर, सिविल डिजाइन इंजीनियर, इन सभी प्रोफाइल्स में जा सकता है। अब यहीं अगर हम बीसीए की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं वो रहती हैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोफाइल्स रहती हैं वो रहती हैं जैसे कि वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सिस्टम इंजीनियर, जूनियर प्रोग्रामर, ये सभी प्रोफाइल्स इसमें आप जॉब पा सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, यानी कि बीटेक और बीसीए जैसा कोर्स करने के बाद आपको कितना पैकेज लगता है, यानी कि आप कितनी सैलरी कमाते हो ऑन एन एवरेज। तो बीटेक की अगर हम बात करते हैं तो बीटेक करने के बाद जो एवरेज सैलरी पैकेज आपको लगता है वो लगभग 4 से 7 लाख रुपए के करीब लगता है, और अगर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं तो आपका पैकेज करोड़ों में भी जा सकता है। यहीं अगर हम बीसी की बात करते हैं तो वहां पे एवरेज पैकेज जो आपका लगता है वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए के करीब होता है, और हाईएस्ट पैकेज 10 से 15 लाख रुपए तक जा सकता है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों केस में जो एवरेज पैकेज है वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका कॉलेज कैसा है, वहां की प्लेसमेंट कैसी है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका टेक्निकल स्किल सेट कैसा है, आप उसमें कितने एक्सपर्ट हो। अब बात करते हैं हायर स्टडीज की। अगर आप बीटेक के बाद हायर स्टडीज करना चाहते हो यानी कि मास्टर्स करना चाहते हो तो आप मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी कर सकते हो यानी कि एमटेक। इसके लिए आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना होगा। अगर आप फॉरेन से मास्टर्स करना चाहते हो अपनी कोर ब्रांच में तो इसके लिए आप एमएस कर सकते हो यानी कि मास्टर्स ऑफ साइंस। इसके अलावा अगर आप बिजनेस और मैनेजमेंट साइड जाना चाहते हो तो आपके पास एमबीए का भी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट अगर हम बीसीए के बाद हायर स्टडीज की बात करें तो इसके बाद अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए। अगर आप टीचिंग साइड या फिर रिसर्च साइड जाना चाहते हो तो आप एमएससी इन आईटी कर सकते हो और इसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एमसीएम यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट। इस ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो बीसीए के बाद। तो आई होप आप सभी ने इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा और बीटेक और बीसीए में जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा। ये आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको बीटेक करनी चाहिए या फिर बीसीए। तो अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो जरूर इसे लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द मिलेंगे बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसे ही डाउट क्लियरिंग वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।